अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाही चौधरी। नाज़रीन, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन पर। आज इंटरनेशनल चाइल्ड डे के हवाले से जो पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसके फोकसिंग एरियाज इस साल के क्या हैं, क्या इसका थीम है, इसके हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने रीजन की बात कर लें कि हमारे यहाँ जो कल्चरल इशूज हमें खासतौर पर नजर आते हैं जो बच्चियों के साथ रिलेट करते हैं, हमारे यहाँ बच्चियों की पैदाइश पर उमूमन उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितना बच्चों की पैदाइश पर, बेटों की पैदाइश पर मनाई जाती है। फिर इसी माइंड सेट को जब हम आगे देखते हैं तो बच्चियों के लिए तालीम के भी वो बेहतर मौके नहीं उन्हें मुयस्सर होते हैं हमारे यहाँ, जो कि बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए होते हैं। सेहत की बात कर लें, प्रोटेक्शन की बात कर लें, ये दीगर ऐसे इश्यूज हैं। खासतौर पर अगर अर्ली मैरिजेस की बात करें तो वहां पर भी बच्चियों की रजामंदी के बगैर उनके बहुत जल्द शादी कर दी जाती है। फिर उसके बाद एक अलग मसाइल का हमें अंबार नजर आता है। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो माइंडसेट है उसको तब्दील करने की जरूरत है। हमारे मुआशरे में इस के बिहेवियर क्यों पाए जाते हैं और कितनी तब्दीली अब तक हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं और दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। हम क्या लर्निंग कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और हमारे यहाँ इस वक्त क्या तब्दीली जो है वो रूनमा हो रही है, क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं हमारे एक्सपर्ट्स की, इस हवाले से जब हम बात करेंगे और किस तरह से हम जो है इन तमाम बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं और तब्दीली ला सकते हैं। इस वक्त इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हबीबा सलमान साहिबा, जो सामाजिक कारकुन है। बहुत शुक्रिया हबीबा आपका मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पे डॉक्टर नुशाबा अंजुम साहिबा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुशाबा आपका भी। और चूंकि जब बिहेवियर की बात होती है तो फिर डॉक्टर नुशाबा हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि हमारी ये सोच क्यों जन्म लेती है और इस तरह से इस सोच को खत्म किया जा सकता है। हबीबा, आपसे आगाज कर लेते हैं कि इस साल की अगर हम थीम की बात करें और जिस तरह से इसको पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है, फोकसिंग एरियाज क्या हैं, और हमारे यहाँ अगर हम अपने इलाके की बात करते हैं तो वो कौन से एरियाज हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, थीम क्या है इस साल का? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक को जो है यूजुअली इतना ज्यादा जो है इसको सपोर्ट नहीं किया जाता या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं कि जहां पे इस पे बात हो, तो इस टॉपिक को चूज करने का सबसे पहले आई वुड से थैंक यू वेरी मच। जहां तक बात है इस साल का जो हमारा जो चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे का जो थीम है वो ये है कि एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर इक्वालिटी, कि जो कि गर्ल चाइल्ड, जब आप चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पे बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड दोनों की बात होती है, मगर जब आप जनरली कोई भी चीज इस तरह से लेके आते हैं, कोई भी पैरामीटर हो, चाहे एजुकेशन इंडिकेटर हो, हेल्थ हो या सोशल इंडिकेटर्स के अंदर भी, तो उसमें आप यूजुअली देखेंगे कि एक लेवल पे जो है बहुत कुछ हो रहा है, बट अगर आप उसको जेंडर सेग्रीगेशन में लेके जाएंगे तो बच्चियां बहुत पीछे हैं। मतलब वो 30-70% का डिस्पैरिटी यूजुअली हर चीज के अंदर आपको नजर आएगा। सो ये दिन मनाने का जो मकसद है वो भी यही है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर फोकस किया जाए, कि उसको जेंडर पैरिटी के अंदर आप लेके आए, कि उसको एट पार विद बॉय चाइल्ड जो है ना वो आप लेके आए, चाहे वो एजुकेशन के इंडिकेटर हो, हेल्थ के हो या सोशल के किसी भी किस्म के इंडिकेटर्स हो। ठीक है, तो हम कितना अमल कर रहे हैं इस पर, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे तो हालात जो है वो हर लेवल पे खराब है। अगर मैं सोचूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं मैं, तो गवर्नेंस, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और फिर सोशल लेवल पे क्या इश्यूज हैं, ये तीन लेवल्स के अंदर जो है रिफ्लेक्शन नजर आती है और ये एक विशेष सर्कल है। एक जगह की खराबी बाकी जगहों की खराबी को बूस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप इवन टॉप डाउन यानी कि सोशल टू गवर्नेंस चले जाएं या गवर्नेंस टू सोशल चले जाएं तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है। अगर आप गवर्नेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितने भी कानून हैं, इसमें से फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड मैरिजेस का जो कानून है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, तो सिंध ने तो अपना अमेंडमेंट करके अपनी एज पैरिटी, मतलब उसमें जेंडर का उनका हो गया है कि 18 साल बच्चे के लिए भी और बच्ची के लिए भी, जबकि जो इस्लामाबाद जो ICT का जो नेशनल पहले जो नेशनल असेंबली के अंदर जो कानून जो शुरू से ही मौजूद है वो 1929 का जो एक्ट था को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने टेबल कराया था बिफोर पाकिस्तान के होने की बात है ये। फिर 1960s में जाके उस वक्त जैसे लेट से 14 ईयर्स फॉर गर्ल चाइल्ड था और फिर 21 ईयर्स फॉर मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड नहीं कह सकते 18 साल से ऊपर तो इट्स नॉट अ चाइल्ड, सो मेल्स के लिए था। 1960 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट की गई जिसमें बच्ची के लिए जो है 16 साल किया गया और बच्चे को
का जो उम्र है लड़के का उसको ड्रॉप डाउन करके 18 साल कर दिया गया, जो कि जनरल इंटरनेशनल डेफिनेशन फॉर अ चाइल्ड है। सो ये यहाँ पे जो डिविजन है, मतलब जो आप देख सकते हैं कि जो डिस्पैरिटी है कि लड़की के लिए 16 साल क्यों, जबकि पूरी बर्डन उसी ने उठानी है, यू नो चाइल्ड बेयरिंग से लेके वो डोमेस्टिक वर्क और सारा कुछ। सो अगर इस तरह से देखें तो कानून के अंदर ये डिस्पैरिटीज आपको हर जगह नजर आएंगी। एज ऑफ चाइल्ड या बच्ची और बच्चा के लिए जो है ना वो आपको सिमिलर नजर नहीं आएंगे। तो गवर्नेंस के अंदर जब इस तरह की चीज होती है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप चले जाएं। जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो वहां पे फॉर एग्जांपल निकाहनामा के अंदर जो भी चीजें लवाजमात हैं वो किस तरह से रजिस्टर हो रही है नहीं हो रही, और बच्चे के हवाले से कौन सी चीजें काट दी जाती हैं। सो और बच्चे को तो मालूम भी नहीं होता ना, मालूम भी नहीं होता है, उसको बुरा समझा जाता, उसको साइन कराया जाता है, सारी उसकी शिकन समझने की कोशिश करें और वो बुरा आप उसको फिलअप करवाना वो कहते हैं ये बहुत बुरी बात है, ये तो आप बात कैसे कर सकते हो, तलाक का जिक्र कैसे कर सकते हो। हालांकि इस्लामी जो कानून है उसमें तलाक एक बहुत खूबसूरत चीज भी है, नापसंदीदा जरूर है मगर जहां बात नहीं बन रही वो एक आपको वे आउट है, अनलाइक अदर रिलीजन जो आपको ब्रेक ही नहीं करने देते। डॉक्टर एक चीज में बताना चाहूंगी कि फिर सोशली वो चीज जब नीचे ट्रिकल डाउन होती है तो यहाँ बच्ची 12 साल की नहीं होती इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सो दिस इज हाउ सोशल गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ जो है वो प्लानिंग तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है ना। डॉक्टर निशाबा साहिबा, इस वक्त जो मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं, आप असल मसला कहाँ देख रही हैं कि लोगों की जो सोच है वो क्यों तब्दील नहीं हो रही है? बल्कि पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ किस किस्म की सोच पाई जाती है बच्चियों को लेकर, बच्चियों के हवाले से जब हम बात करते हैं, उनकी सेहत के हवाले से बात करते हैं, उनकी तालीम के हवाले से बात करते हैं, शादी की बात होती है या जॉब के हवाले से जब बात होती है या घर से बाहर निकलती है तो जो एक हैरेसमेंट का हमें इसमें एक एंगल नजर आता है, तो ये सारी चीजें जो है ये किस किस्म की सोच की पैदावार है? आप मदद करने का पहली बात ये कि हम दिन बहुत सारे मनाते हैं, जैसे वुमन से मना रहे हैं, फादर से, मदर से। देखिए हम सोसाइटी का बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम 3D इमेज ले रहे होते हैं। आपने अभी बात की थी बिहेवियरल इश्यू, मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ कि आपके बिहेवियरल इश्यूज तो आपके सोशल इश्यूज जो आपके एनवायरमेंट रोल प्ले करती है, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हमारी बच्चियां देख रही है। कहने को हम आजाद हो गए थे, पाकिस्तान बना ही था इक्वल राइट्स के ऊपर, जिसमें तो गैर मुस्लिम को भी राइट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस सोसाइटी में इस वक्त जो हमारे पास हम देखते हैं अस्पतालों में, आप देखें कि 200 में से 199 केसेस हमारे पास बच्चियों के आते हैं, ज्यादातर बच्चियों को जिनके ऊपर जिन्नात का असर हो गया। आप राइट्स की बात करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट सबसे ज्यादा जो हमारी बच्चियां मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, हमारी बच्चियों को खाने घरों में ही आप देखिए बेटा और बेटी में फर्क रखा जाता है। मैं और आप जो आज यहाँ पर बैठे हैं कि हम शायद 2% या 3% भी हिस्सा नहीं है इस मुल्क में, और फिर बच्चियों के लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, तालीम का हक, तालीम के लिए उनके लिए शोर और आगे ही जिस वक्त तक नहीं होगी उनके लिए शादी, आप कह रहे हैं 12 साल, मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिधर कुरान पाक से बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उनकी पैदाइश से पहले ही उनकी जिंदगियों के फैसले, क्योंकि जायदाद की तकसीम के लिए वालिदैन समझते हैं कि हमारी बच्चियां खानदानों में ही शादियां करें ताकि जायदाद खानदान की खानदान में ही रह जाए। फिर हरासमेंट, हमारी बच्चियां डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट घरों में ही खामोशी उनको कहा जाता है, खामोश अख्तियार कर ले, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जब वो बाहर निकलती हैं उनकी ट्रेनिंग वालिदैन कर रहे हैं कि आप खामोश रहें, आवाज ना उठाएं। हम मैं देखे एक चीज के हक में नहीं हूँ कि हमारी बच्चियां चले बैनर लेकर बाहर आ गई, मैं समझती हूँ कि इनके पास अपॉर्चुनिटी, इनमें इतनी अवेयरनेस दें कि ये अपने हक के लिए कम अज कम आवाज उठा सके। आज मैं और आप बैठे हैं, बच्ची क्यों नहीं बैठी? ये बच्चियां जो हमारी है सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर आगे चलते जायदाद में हिस्सा, माए कहते कि इन्फ्लुएंस होती है वालिदा ही अपने जो बेटों से या हस्बैंड से कि चलो तुम सरेंडर कर दो भाइयों के लिए, जायदाद में उनके पास को नहीं रखा जाता। फिर चाइल्ड लेबर, हमारी बच्चियों को खासकर जो है चाइल्ड लेबर घरों में काम के लिए छोड़ दिया जाता है। जो मैं आपको सबसे ज्यादा जो तकलीफ की बात बताऊंगी वो ये है कि ये बच्चियां जो हमारी हैं, जो मुस्तकबिल की माएं हैं, जिन्होंने आपने कहना है इस मुल्क में लीडर्स देने हैं, आपने वो इकबाल की जो खुदी थी, अलामा इकबाल को
डॉक्टर अल्लामा इकबाल को इकबाल बनाने वाली माँ थी, लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहूंगी जब हमारी बच्चियां जो 2-4% रोल प्ले करने के लिए भी आती हैं, उनको किधर रेजिस्टेंस आती है। आप चाहे वो पॉलिटिकली अपने आप को मनवाना चाहें, चाहे वो किसी इदारे में भी जाएं, तो अभी तक मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ होगा बच्चियों के लिए उनको एम्पावर्ड करना। एम्पावर्ड किरदार साजी के बगैर नहीं है, लेकिन किरदार और हया और इज्जत सिर्फ औरत के लिए नहीं है, ये अपनी हमारी माओ को हम खवातीन को इस चीज के लिए तरबियत करनी, अपने बेटों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो सोसाइटी में जिस वक्त दूसरों की बहने या दूसरों की माओ को या दूसरों की बेटियों को भी वो वही इज्जत दें जो अपने घर की औरत को देते। तो मेरे ख्याल में ये एक माइंड सेट की बात है कि इसमें जो तरबियत कर रहे हैं मीडिया तरबियत कर रहा है, मेरे ख्याल में हमारे जो एक एक्सट्रीम माइंड सेट है लेकर बच्चियों के लिए को लेकर जिधर बनी कर दिया जाता है, इसी मुल्क में बच्चियों को सती कर दिया गया, इज्जत के नाम पर उनके ऊपर तेजाब फेंक दिए गए, शादी का अगर नहीं उनको अगर वो नहीं करते तो आपने देखा कि किस किस्म के उनको वायलेंस का वो शिकार है। तो मैं एक बहुत ही मैं अफसोस के साथ आपसे कहूंगी तकलीफ के अंदर इस वक्त ये बात कर रही हूँ कि जो इमेज हम देख रहे हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी, वो डरी हुई माएं जिन्होंने कल आपको अल्लामा इकबाल दिया था, ये डरी हुई माएं, ये सहमी हुई बच्चियां, ये जाहिर है वो तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, अपने ऊपर भी प्यार नहीं है, आप उनको फैसला साजी में भी शामिल नहीं करते, जिनको अपनी शादी के हवाले से भी जिनकी मर्जी उसमें शामिल नहीं होती है, तालीम के हवाले से उन्हें मालूम नहीं होता, उन्हें हेल्थ के हवाले से मालूम नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं है, हैरेसमेंट हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज है, जैनब जैसा केस तो है वो हमारे सामने है, उसके बाद भी जो बहुत सारे केसेस हुए, तो ये सारी चीजें इंडिकेट तो करती हैं कि हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है। आप लोग फील्ड में भी काम करते हैं हबीबा, किस किस्म के मसाइल आप वहां पर देखती हैं, क्या इश्यूज हैं जो आप लोग फेस करते हैं? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पेरेंट्स की, कि हमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सेंसिटिव करने की जरूरत है, उनकी तरफ से किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है, क्या लोगों में अवेयरनेस मौजूद है? देखिए ओवरऑल खातून के अंदर इस माशरे ने ऑनर नाम की एक हवा भरी चीज रखी है, जिस आप इसी के रिवॉल्व करें, ऑनर नाम की एक चीज है, इसी से आपके जो है ना फ्यूचर, आप कह रहे हैं मुस्तकबिल की नस्लें जुड़ी हैं इससे, फिर आप कहते हैं कि ये हमारी जो है माएं बहनें बेटियां जो हैं ये हमारी इज्जत है, मतलब इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं है, ये एक हवा है, ये एक जिसको आप जो रिस्पेक्ट आप मर्द को भी दे रहे हो वही रिस्पेक्ट है, ये इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं, आप मर्द को जूते नहीं मार रहे और खातून को इज्जत दे रहे हैं और वो ऑनर इतना और नहीं है, इट्स लाइक दैट। सो जहां तक आप बात करें फिर ये इसकी लिंकेजेस निकलती हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन के अंदर डीवर्मिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाई जाती हैं कि मेडिसिन खिलाया जा रहा है बच्चों को डीवर्म करने के लिए, सबका अलमिया सबको पता है बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, मगर सस्पेक्ट किया जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड है ना वो कहीं ये फैमिली प्लानिंग की कोई मेडिसिन ना हो कि ये जो है ना इसने खा लिए तो इसको कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसी तरह से आप पोलियो का ले लें कि अगर पोलियो के ड्रॉप्स अगर किसी को पिलाए तो ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियों को जो है ये लोग मतलब फैमिली प्लानिंग की चीज उसमें, इसी तरह से आप कोई भी हेल्थ प्रोग्राम में देखें तो न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन्स दिए जाते हैं, वो उन तमाम चीजों से मेन स्ट्रीम जो प्रोग्राम्स है उनमें भी बच्चियों को पीछे धकेल के रखा जाता है, उनसे महरूम हो जाते हैं बिकॉज आप बस आपको एक चीज की फिक्र है कि आपकी आने वाली नस्ल की बका का फिक्र है कि कहीं बच्चियां जो है ना वो बच्चे पैदा करने से कासर न रह जाए, एक सोच है आपकी क्योंकि आपने बच्ची से सिर्फ यही जोड़ के रखा है कि ये और कोई काम नहीं कर सकती, इससे सिर्फ आगे आपकी नस्लें बढ़ सकती हैं, मगर जहां फिर नस्लें बढ़ाने की बात आए उस बच्ची की हेल्थ को किस तरीके से बेहतर होना चाहिए वहां आप फिर क्या करते हैं कि क्योंकि लड़का बड़ा होकर कमाएगा बेहतर खाना उसी को दे देते हो, बच्ची को जो है उस तरह की जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसको ऑन टाइम आप सेल्फ मेडिकेशन पे रखोगे, बुखार जुकाम जो भी चीजें होंगी तो वहां पे भी एक्सेस टू हेल्थ रिलेटेड चीजें जो है वो भी लड़कों की है। फिर आप जब मुस्तकबिल की बका की बात करते हो तो वहां आप जेंडर सिलेक्शन कर लेते हो कि आप बच्चे पहले पता कर लेते हो अल्ट्रासाउंड के जरिए, जो कि आप समझते हो कि ये एक फॉरेन चीज है कि आप जो है ना अल्ट्रासाउंड ना करें, यू नो एडवांस टेक्नोलॉजी, आप अपने मगर आप उसको इस्तेमाल करके कहते हो कि ये लड़की है तो गिरा दो, लड़का है तो रखो, फिर आप 10-12 बच्चियां पैदा करते हो जस्ट वेटिंग फॉर द सन। सो द थिंग इज कि हमने जिस कदर बच्ची को एक्सप्लोइट किया है ना इस फीमेल, यानी 4-5-6 बेटियां अगर आपकी हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं है जब तक आपका एक बेटा नहीं है और बड़ी बेटी 40 साल की होगी 6 साल का भाई उसके साथ मार्केट जाए।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। नहीं करेगा कि क्योंकि इसको किसी और मर्द ने छेड़ा है। सो इट्स लाइक द विशियस साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटी जो कि चलती रह रही है। अब इसको ब्रेक करने के लिए कुछ चंद चीजें हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या रिकमेंड करेंगी, आपकी ओपिनियन क्या, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर नुशाबा की तरफ एक मिनट बाद फिर मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर नुशाबा, ये सारे इश्यूज जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में, आप क्या समझती हैं कि वालदैन के जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, जो कंजर्वेटिव हमें माइंडसेट पूरी सोसाइटी का नजर आता है, उसको कैसे तब्दील किया जा सकता है? क्योंकि इसको अल्टीमेटली हमें तब्दील तो करना है ना, चीजें इस तरह से नहीं चल सकती। अगर आप कोई डे भी मनाते हैं तो आप एक सोच तो आपके जहन में होती है और फिर बस के साथ साथ जितना एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है लोग इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। हम इसको बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकते कि सारी सोसाइटी ऐसी है और सब लोग ही अपनी बेटियों के साथ ये सलूक करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा, देखिए सोसाइटी में सब एग्जाम्पल्स ऐसे मुआशरा चलता नहीं है, मुआशरे में सारी मिसालें गलत नहीं है। एक चीज का ख्याल हमें जरूर रखना है कि देखिए जब हमारा नॉर्म, हमारा कल्चर और हमारे रिलीजियस वैल्यूज, हमें इस दायरे के अंदर ही रहना है। जब आप इस दायरे से बाहर निकलते हैं तो अपने नॉर्मसी कर्व में से निकल जाते हैं। आप इस दायरे के अंदर रह के अगर रिलीजियस वैल्यू देखें तो इस्लाम सबसे ज्यादा मॉडर्न रिलीजन था जिसमें खवातीन को लेकर सबसे ज्यादा हकूक है। तो हमें जितनी भी आप देखें ना, कि मैंने आपसे कहा ना कि हम एक्सट्रीम माइंडसेट, एक चीज हम मुझे लगता है कि हमने बहुत देर से हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सब इश्यूज सबको पता है। बात ये है कि हमें ये समझना है जो हम जो इस वक्त मेरे सामने वो खवातीन जो कि प्रिविलेज है, जो कि बात कर सकती हैं, जिनको आज मौका मिला है कि वो अपने रोल प्ले करें,
वो उन खवातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ अपना करें और ये चीज बताएं कि खातून या औरत सिर्फ तस्वीर में रंग भरने के लिए नहीं है कि वजूद जर से या तस्वीर कायनात में रंग, आपने सिर्फ कायनात में रंग नहीं भरने, आपने एम्पावर्ड होना है तालीम से, आपने एम्पावर्ड होना है विद फाइनेंस, उसको मौके दिए जाए कि वो अपने लिए जो है वो मौशी तौर पर जो है, जब तक औरत मौशी तौर पर, मैं बार बार कहूंगी कि मौशी तौर पर जिस वक्त वो अपने आप को महफूज नहीं समझेगी, उसमें शुरू हो जाता है जिस वक्त उसको जायदाद वालदैन की वजह से उसको हिस्सा मिलेगा, उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर बिठाएं, फिर उसके लिए जो शुरू के 13 से 18 साल होते हैं जो जिंदगी के मतलब 1 से 18 साल तक उस वक्त ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, दिमाग बन रहा होता है, आपने 12 साल में जिस बच्ची की शादी कर ली है उसका अपना जहन ही अभी इस काबिल नहीं हुआ कि वो दोबारा से आपने उसके ऊपर एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल, एक फिजिकल ट्रॉमा दिया। हमारी बहुत सारी बच्चियां इस मुल्क में बच्चे पैदा करते हुए अर्ली एज में मर जाती हैं और सबसे जो मुश्किल बात यह है कि आप इनको बात करने के लिए कि अपनी चार दीवारी में रह के अगर वो नहीं बाहर आ सकती, तालीम कैसे हासिल कर सकती, अच्छा, डॉक्टर निशाबा, मैं जस्टिस कैसे ले सकती हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए उनके लिए जो लॉ ऐसे बनाए जाए, तो ये एक, मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि उनके लिए ये कलेक्टिव वेंचर है, बच्चियों के लिए वालिदैन भी है, उनकी तरबियत की जाए, फिर डेटा बेस हो, हमें पता होना चाहिए कि इस इलाके के अंदर रूरल एरियाज में, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मुझे, मेरे पास 200 केसेस में से 199 बच्चियों के कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसको नॉन एपिलेप्टिक फिट कहते हैं, जिन्हें की बच्चियां आती हैं कि दिन आगे, आपने पहले बात की कि बच्चियां मेंटली प्रिपेयर नहीं होती हैं, बहुत कम एज में आप उनकी शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का उन्हें सामना रहता है, शादी है, उसके बाद नए लोगों में आपने जाना है, फिर चाइल्ड बियरिंग का जो सारा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें किस हद तक उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासिर होती है और फिर आगे आने वाले बच्चे पे उसके क्या असरात होते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ कि इनहेरिटेंस में चला जाता है, आपने जो डरी हुई माँ है जिसके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आगे लेटर ऑन जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो नॉन एपिलेप्टिक फिट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जी उन बच्चियों को फिर क्या किया जाता है कि उनको पीरों फकीरों के पास लेके जाया जाता है, कहा जाता है इनके ऊपर जादू का असर हो गया, बाद अवकात उनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है वो बच्चियां, वो आगे जो बच्चे पैदा करते हैं वो भी माजूर। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम दैनिक तौर पर आजाद कौम नहीं है, जो कहते हैं ना कि इकबाल की खुदी किधर रह गई, वो आजाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम देने तौर पर अभी हमारी बच्चियां गुलाम हैं और वो जो बच्चियां सप्रेस है, वो जो आपको माशरे में जो बच्चे दे रहे हैं वो भी इनहेरिटेंस के अंदर वो बीमारियां लेके आ जाते हैं, एग्रेशन लेके आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेके आ जाते हैं, बच्चियां खुदकुशी पर मजबूर हो जाती है, सेल्फ हार्म पे मजबूर हो जाते हैं। अभी इसलिए हमें, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि हमें अपने जो रूरल एरियाज हैं, खासकर देहातों में जिधर असेस नहीं है, वहां पर हुकूमती सत्ता के ऊपर हमें ऐसे इकदाम करने होंगे कि हम वहां पर जाकर अपने कैंपेन्स करें, बच्चियों के लिए ऐसे ब्लॉग बनाएं जिसमें वो अपने इश्यूज को खुद एड्रेस करें। देखिए, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, इस दौर के अंदर जो बच्चियों को इश्यूज है उनको एड्रेस करना चाहिए और उनके पास ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिसके अंदर रह के वो अपने इश्यूज को, और अगर उनको फोर्सफुली शादी के लिए कहा जा रहा है तो उनके पास ऐसे मेरे ख्याल में कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सके, जैसे 115 है। आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे अबीबा की तरफ से जाना है। अबीबा, आप जो बात कर रही थी कि जो आपकी ओपिनियन है या रिकमेंडेशंस हैं आपकी तरफ से, वो क्या हो सकती हैं कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारे रवैयों में, हमारी सोच में, और किस चीज को हमें टारगेट करना चाहिए सबसे पहले ताकि उसकी वजह से तब्दीली आए? जहां तक मैं हमेशा सोचती हूँ इसके बारे में कि कैसे इस यूथ बल्ज हमारे पास है, कि आपके जो है ना 60% आपकी पूरी पॉपुलेशन यूथ है और उसमें से भी बच्चियां ज्यादा है, बेटे पे पैदा करने के चक्रों में बच्चियां बहुत ज्यादा है। सो इसमें मैं आपके पास एक, आपको मैं एक, आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक रिसेंट हमारा एक जो है ना इंटरवेंशन था जिसमें सिंध के अंदर उमरकोट के अंदर जो है छोटी बच्ची एडोलेसेंट गर्ल्स को जो है इंफॉर्मेशन दी गई, नॉलेज दी गई कि चाइल्ड मैरिजेस के जो है मुजर असरात क्या होते हैं,
हैं और वो एडोलेसेंट गर्ल्स फिर गईं अपने घर घर मोहल्ले में, जो है ना उन्होंने फिर चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, जो कानून सिंध का था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम किया और 69 शादियां रुकवा दी उन्होंने. सो मतलब आप एक प्रॉपर कैंपेन, पावर ऑफ नॉलेज है कि इस पे बात करें और बार बार बात करें. और कैंपेन भी ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पे एक लाख डेढ़ लाख लगा रहे हो, यूट्यूब के ऊपर लगा रहे हो और कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा. सो टैपिंग द राइट प्लेस, लाइक राइट प्लेटफॉर्म और नॉलेज देने की जरूरत है इस वक्त. एक तो एजुकेशन और फिर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो कि जो बात किस जिसको टारगेटेड है उसको वो समझे और उसको सुनाई दे और उस पर अमल हो. सो मैं समझती हूँ कि हमारे हालात सिर्फ तालीम से, चाहे जैसे हमारी करंट करिकुलम चाहे इसकी क्वालिटी ऐसे ही रखें, मगर एजुकेशन के अंदर आप इनको ले जाएंगे, पढ़ लिखने के काबिल हो जाएंगे तो फिर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेजात नेशनल इंटरनेशनल बनती है वो पढ़ लिख के कम अज कम, मैं तो कहती हूँ जिस जो हर घर में मौजूद है कलाम पाक, वो ही पढ़ के शऊर आ जाएगा कि इंसान की क्या है. उसको लोग सही तरीके से आप समझें, लोग मिसगाइड नहीं होंगे कि जो दूसरे पढ़ के समझाते हैं, जो मिसलीड करते हैं, कम अज कम उस पर बिलीव नहीं करेंगे. ताकि मैं समझती हूँ एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी जो है ना बड़ा. अच्छा, वालदेन का किरदार क्या हो सकता है, हमारे तालीमी इदारों का किरदार क्या हो? वालदेन देखें, एक 12 साल की बच्ची अगर माँ बन रही है तो उसका अपना शऊर नहीं है तो वो अपने बच्चे को क्या सिखा सकती है. सो मेरा ये ख्याल है कि जो वालदेन अपने बच्चों की शादियां करा रहे हैं जिनकी अपनी शादी बचपन में हुई थी, वो कम अज कम अपनी एक्सपीरियंसिस को जरा झंझोड़े, वो माँ जो है वो अल्टीमेट लेवल पे जाए कि मैंने अपनी बच्ची की शादी जो है उसी जो मेरे में हुई फेस करनी पड़ी जी, वो इन्फॉर्मेशन कम अज कम इस्तेमाल करें कि ऐसा ना हो कि अपनी बच्ची को भी उसी चीज में धकेलें. उससे आप सबक सीखें कि जो मुश्किलात आपने फेस की, जो मसाइल आपको रहे हैं, वो आगे आपकी बच्ची को भी बिल्कुल. मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बड़े लेवल्स होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स है, फिर नेशनल है, फिर रीजनल है, फिर इस तरह से. मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली कोई भी हमारे मसाइल का हल जिनीवा में जो है ना सऊदी अरेबिया में नहीं मौजूद, हमारे मसाइल का हल जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारे मसाइल का हल हमारे घर के अंदर मौजूद है. जिन माओं ने बुरी चीजें एक्सपीरियंस की है वो बेहतरी की तरफ जाएं, बुरी सास मिली थी आप अच्छी सास बने, बुरी जो है ना आपके साथ शादी के वक्त बुरा हुआ था आप अच्छी माँ बने. सो ये हमारे मसाइल का तमाम तर हल हमारे अपने अंदर जमीर के अंदर इरादी तौर पर हमें झंझोड़ने की पर हमें खुद को. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. हबीबा सलमान हमारे साथ मौजूद रही हैं और डॉक्टर नुशाबा अंजुम हमारे साथ मौजूद रही हैं. हमने कोशिश की कि इस इशू को आप डिस्कस करें और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने लेकर आएं कि मसाइल कहाँ हैं और क्या क्या हैं और किस तरह से इन मसाइल को हम कम कर सकते हैं. जाहिर है कि मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं किया जा सकता, मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लेते हैं इंफरादी सतह पर तो तब भी बहुत ज्यादा तब्दीली है जो वो आ सकती है. और बच्चियां भी आपकी तवज्जो की उतनी ही हकदार हैं जितना कि आपके बेटे हैं. इन दोनों को अगर आप बराबर समझेंगे, बच्चियों को एम्पावर करेंगे, अपनी फैमिली को मजीद आप मजबूत कर सकते हैं और आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं कि जब तक बच्चियों को आप उनके हकूक देंगे. इसके साथ ही नाही चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.